हेलो, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिंपल कैरेट फ्राई का रेसिपी लेके आई हूँ। तो बनाते हैं ये बहुत अच्छी सी रेसिपी। और यहाँ पर जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो आपको कहाँ से कुछ डाउट होता है ना, कितना अमाउंट का वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग ये रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीन बड़े बड़े कैरेट ले रहे हैं। कैरेट को अच्छे से धो लिया है और फिर छीन लिया है उसको, फिर छिलका निकाल के उसको छोटे छोटे कट किए हैं। ये देखिए मेरे सारे कैरेट को एक ही जैसे कट किए हैं। थोड़ा पतला ही कीजिएगा तो जल्दी वो कुक हो जाएगा, मोटा करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है उसको कुक होने के लिए। सो यहाँ पर हम लोगों ने ऑनियन को भी 1/4 लिया है, उसको भी हम लोग कैरेट जैसा ही कट करेंगे छोटा छोटा। और यहाँ पर हम लोगों ने दो चिल्ली लिए हैं, कड़ी पत्ता और सरसों लेंगे फुटन लगाने के लिए। बस इतने में हमारी सब्जी बन जाएगी। तो मैंने एक पैन बैठा दिया है गैस पे, उसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है और फिर उसमें मस्टर्ड डालेंगे। जब मस्टर्ड क्राकल होना शुरू हो जाए, मतलब फूटन जब आता है ना, तो उसके बाद ही बाकी आपका ऑनियन, चिल्ली, करी पत्ता और हमारा गाजर, ये सबको एक ही बार में ही डाल देंगे हम लोग। ये सिंपल सी रेसिपी है, आपको सब कुछ इतना टाइम नहीं लगेगा। एक बार कट कर लिया और फिर सब कुछ कढ़ाई में डाल दिया और सबको मिलाकर थोड़ी सी करनी है, बस हो गई। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और जब भी चिल्लीज डालेंगे ना, चिल्लीज को हमेशा तोड़ के ही डालिएगा, तो चिल्ली का फ्लेवर पूरे सब्जी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हम लोग अभी कैरेट भी डाल दिए और उसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे, आपके टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल दीजिएगा। और फिर उसमें थोड़ा सा ट्यूमरिक डालेंगे और सबको मिला देंगे अच्छे से। ट्यूमरिक भी आपको ना चम्मच भर का नहीं डालना है, बस 1/4 टीस्पून इतना हो जाएगा इतने के लिए। जस्ट वैसे कैरेट का भी कलर थोड़ा सा ऑरेंजिस है, तो ज़्यादा हल्दी डालेंगे ना वो हल्दी हल्दी दिखेगा, तो थोड़ा सा ही आपको बस ट्यूमरिक यूज़ करनी है। फिर सबको मिला देनी है और फिर ढक के हम लोग पकाएंगे उसको। देखिए आपको उसको अच्छे से मिला के थोड़ी से देर ढक के रखनी है, तो ही आपकी कैरेट जल्दी पक जाएगी। कैरेट वैसे इतना दिक्कत नहीं होता है पकाने के लिए, बट ढकने से बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए मैंने 2 मिनट के बाद निकाला और टेम्परेचर आपका, मतलब फ्लेम आपका मीडियम ही रहेगा। और इसको अच्छे से मिला देंगे हम लोग। आपको पानी वगैरह कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कैरेट में वैसे ही पानी रहता है और वो सेल्फ कुकिंग के लिए बहुत इनफ है, उसके लिए बिल्कुल पानी देने की ज़रूरत है नहीं। बस उसको थोड़ा सा सॉटे कीजिएगा अगर चाहिए आपको। लगभग 1-2 बार में वो पक जाता है। मैक्सिमम ये सब्जी बनाने के लिए आपको 5 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। और अभी देखिए मैंने सेकंड टाइम निकाला ढक्कन और अभी दिख रहा है हमारा कैरेट पक गया, क्योंकि ऑनियन का कलर देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। और ऐसे करछी में उसको थोड़ा सा दबा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैरेट हुआ या नहीं। तो एक बार कैरेट हो जाए उसके बाद ढकिएगा मत उसको, बस हाई फ्लेम में थोड़ा सा टॉस कर दीजिएगा। हो गया। अभी हम लोग इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा क्रस्ट ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, 1-2 चिमटी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1/4 टीस्पून, उससे ज़्यादा मत डालिएगा तीखा हो जाएगा। उसको डाल के बस अच्छे से मिला दीजिए, बस हो गया आपकी करी। फिर प्लेटिंग के लिए हम लोग निकाल देंगे।
तो बन गई हमारी सब्जी। बताइए मुझे आपको कैसी लगी ये प्यारी सी सब्जी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इन फ्यूचर जो सारे वीडियो आता है आप सारे देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।